क्या तो सोचती, अपने बेटे का, अपनी बहू का, अपने पोते पोती का, कैसे भूल गई आप सब कुछ। बेटा मेरी बात तो सुनो आसिफ। बात सुनो? क्या बात सुनो? बातें सुना तो रहे लोग, जो वहाँ पाकिस्तान में दोस्त है, रिश्तेदार है, वो फोन कर करके बातें तो सुना रहे, और यहाँ कनाडा में लोग आकर मेरा मजाक उड़ा रहे। अम्मी हद होती है बचपने की, अपनी उम्र तो देखें आप। यार कमाल की बात कर, देखो जबकि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि छोड़ो यार, कम से कम मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। हेलो हेलो आसिफ, आसिफ बेटा, हेलो। अच्छा ठीक, तुम्हारे दिल में जो भी आया ना तुम समझो, ठीक है? क्या कह रहे हैं आसिफ? निगार, 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 दरवाजा खोलो, खुद ही परेशान हो रही हो, मुझे भी परेशान कर रही हो। रईस प्लीज प्लीज, मैं बात नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे छोड़ दो कुछ देर के लिए, खुद वास्ता। सुनो, एरियट, नहीं दिमागी तवाज़न बिगड़ गया था इसलिए देखने चला आया। अच्छा अब ठीक हो गया? नहीं मजीद बिगड़ गया, जाकर इंजीनियर जाऊंगा। इलाज कर रही हूँ ना, अब ठीक है क्या? शादी करोगी मुझसे? तुमसे? हाँ, किसी और को पसंद करती हो क्या? अगर मैंने हाँ कह दिया तो? अरे नहीं भाई नहीं, ये डिसाइड नहीं हुआ था निगार, डिसाइड ये हुआ था कि मेरे सवाल के बदले में तुम कहोगी कि डैड नहीं मानेंगे, जिसके बदले में मैं कहता हूँ कि शादी तुम्हारे डैड से थोड़ी करनी है, तुमसे करनी है। मैं एक ही कहानी बार बार दोहरा नहीं सकती, अगर मेरे हाँ का जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो यहाँ से चले जाओ और मुझे काम करने। बुरा मान गई क्या? मेरे चेहरे से क्या लग रहा है? शुगर लेवल हाई रखे। जिंदगी कितनी तेजी से गुजर गई राइस, पता चला? कल की बात लगती है जब हमारी शादी हुई थी, मुझे तुम्हारी हंसी याद आती है, कितना ऊंचा हंसती थी तो। तुम्हारी आंखों में कितनी शरारत हुआ करती थी। आज की बात लगती है कि आसिफ जो है मुन्ना मेरी गोद में चू चू करता रहता था, चुप ही नहीं करता था, रोता था। और देखो उस चूं चूं करते हुए रोते हुए बच्चे की शादी भी हो। वक्त गुजर गया, हम बूढ़े हो गए। खबरदार तुम ही होगी बूढ़ी, मैं तो नहीं हुआ, जवान हूं मैं। क्या हुआ, थोड़ा सा गंजा हो गया, बाल थोड़े से सफेद हो गए या पेट बड़ा हो गया? हाँ, दूर की नजर थोड़ी कम हो गई है। करीब की नजर भी कुछ फर्स्ट क्लास नहीं है।
मैं इतनी करीब होते हैं तुम्हारे, आखिरी बार कब तारीफ की थी मेरी, याद है कुछ? जिम्मेदारियों में हम इतने मसरूफ हो गए हैं, ये भी भूल गए कि हम दोनों कितने खूबसूरत। स्टॉप। हेलो अब्बा, आप कुछ दिन तक लोगों को अवॉइड करें, हर दिन कोई ना कोई न्यू वीडियो, जीना मुश्किल हो गया है मेरा। क्या करूं, बाहर निकलना छोड़ दूं? फिलहाल तो यही कीजिए, आप इस वक्त लोगों के लिए एक तफरी बने हुए हैं, आपको अंदाजा भी है। आप खोल लो आंखें। खोलो। November, हमारी एनिवर्सरी, मैं भूल गई। हमारी एनिवर्सरी भूल गई? सॉरी। हमेशा भूल जाती हो। चलो कितनी तकलीफ की है तुमने, इतने अरसे के बाद हम इस तरह अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, फुर्सत ही नहीं मिली। कभी अपने फ्यूचर का खौफ, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद आसिफ को बाहर भेजना, उसकी तालीम, फिर उसको मैं कनाडा में सेटल करना, माशाल्लाह सब कुछ हो गया और बाकी बचे मैं और तुम। मैं और तुम दो सीनियर सिटीजन एनिवर्सरी मना रहे हैं। आई रिफ्यूज। सिटीजन, ओल्ड सिटीजन है, सीनियर सिटीजन। चलो भाई सीनियर सिटीजन, हाँ। बात तो एक है ना, क्यों पकड़ रहे हो हमें? वो क्या कहते हैं, ट्रैवल करेंगे तो वो मिलेगा डिस्काउंट जी। मिल गया। ट्रैवल करना कहीं। निगार कितनी खुश लग रही है तुम, बिल्कुल उसी तरह पहली एनिवर्सरी की तरह। केक काटिंग लाइए। क्यों नहीं लीजिए, चलें और हम दोनों थैंक यू रईस। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी में आई। और जनाब एक और सरप्राइज है जी। नहीं हाँ बिल्कुल नहीं, दिस इज टू मच। ये लीजिए रईस, गिफ्ट भी खरीदा। स्वीट जी जी, ये आप पहली एनिवर्सरी से भूलती हैं, ये तो सब कुछ आज पहली एनिवर्सरी की तरह ही हो रहा है। आप खुश भी वैसे ही हैं, आपने जनाब केक भी वैसे ही काटा है, और जनाब आप गिफ्ट भी भूल गई। अच्छा देखो, अगर सब कुछ पहली एनिवर्सरी की तरह हो रहा है ना, तो फिर कल हमें यूं करना होगा कि बाइक पे जाना होगा गोलगप्पे खाने के लिए ठेले से, और पार्क में जाएंगे लॉन्ग ड्राइव के लिए, पार्क में जाएंगे, पार्क में जाके बेंच पे बैठ के खाएंगे। ये सब मंजूर है? ये सब कुछ तो हो सकता है। मैं मजाक कर रही हूँ, कैसे करेंगे ऐसा, कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? उम्रें देखो हमारी, अजीब लगेगा। अच्छा ये बताओ क्या लाए? साड़ी है। साड़ी? रईस मैं कहाँ पहनती हूँ अब साड़ियाँ, वो जमाना और तब 20 साल की थी तब, मैं अब मैं 100 साल हो गए मैंने साड़ी नहीं पहनी। ये रंगे नाज में अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया,
धीरे धीरे प्यार का रईस देख के प्लीज देख के बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी दूर की नजर को अच्छी नहीं है? अच्छा, मेरी नजर नजदीक की भी अच्छी नहीं है, यही कहा था ना आपने रात को। सही है ना, मजा आ रहा है गाड़ी में? बिल्कुल नहीं मजा आ रहा, बहुत डर लग रहा है। देखो तुम्हें कहा था कि पहली एनिवर्सरी की तरह सब कुछ करेंगे, लेकिन इसका ये नहीं मतलब था कि तुम ये खटारा गाड़ी भी साथ ले आओ। अरे आज के दिन के लिए तो संभाल के रखी है। अल्लाह खैर अल्लाह खैर। ले रेल भाई, स्पेशल बन का बना के लाए हूं आपके। मैं नहीं खा रहा बर्गर वर्गर यार। क्यों, क्या हुआ? नहीं यार, जिंदगी रूखी चल रही है साला, इतनी वीडियो बनाए एक भी काम की नहीं है यार। अच्छा चलें छोड़े बन कबाब तो खाए ना। अबे छोड़ बन कबाब यार, चेक कर एक विंटेज गाड़ी। शुक्रिया बहुत बहुत। गाड़ी के हैंडल तो है नहीं भाई कि इंसान खुद दरवाजा खोल ले। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? आए समान में ये झूले फूले नहीं होते थे ना? बैठने? नहीं नहीं बैठना नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि झूले नहीं थे उस वक्त। ये 50-60 की लग रही है। अबे वो तो लग रही है, लेकिन तू चाचा चाची को चेक कर। अबे चाचा की कोई पुरानी गर्लफ्रेंड लगती है जो गुलछड़े उड़ा रहे हैं ना? अरे भाई हो सकते है बीवी हो। अबे बीवी को कोई इतने रंग बिरंगी साड़ी पहना के घुमाता है इस उम्र में, पागल है क्या? चले मैं ख्याल से लो। ऐसे कैसे गोलगप्पे मंगवाए हैं, मुफ्ती सोड़ी आएंगे वो खाएंगे फिर पार्क जाएंगे। अजीब सा लग रहा है। अजीब सा क्या लग रहा है? अरे चलो आगे, बस इसके बाद चलते हैं। हाँ चलो। अरे मुझे तो शौकीन मिजाज लग रहे हैं। अबे शौकीन मिजाज तो लग रहे हैं, या तो चाचा की गर्लफ्रेंड है या आज उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। अब तू देखता जा। तुम्हें खाना भी नहीं आता, मैं खिलाता हूँ। मैं खिलाता हूँ बस एक एक। कमेंट शेयर लाइक की बरसात होने वाली है। हाय हाय कंटेंट। थैंक गॉड थैंक गॉड। ये बहुत मजे का, सही से वीडियो कैप्चर करना भी मजा भी आए। अब देखना कैसे अच्छा खाते हो। हाँ ये ये आप बच्चे बहुत और खाते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छे रहे बेटा। चले पार्क जाएंगे अब। हम घर चलते हैं प्लीज। चलो दरवाजा खोलिए। तो खोला नहीं जाता। अरे भाई बर्गर, हम बर्गर कैसे, मेरा कंटेंट जा रहा है तेरे को बर्गर ही पड़ी। शादी करेंगी तुम? कौन करेंगे? तुमने क्यों की थी मुझसे शादी? वहीद मुराद जैसे थे ना तुम। मजाक मत उड़ाओ। अब बाल कम से कम वैसे ही थे, वहीद मुराद जैसे ही करेंगे। और तुमने क्यों की थी? क्योंकि तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी उस वक्त। अच्छा उस वक्त मेरा ये हुई था, ऐसी थी उस वक्त तकरीबन। तुम भी ना।
ओह, तो चाचा और चाची यहाँ बैठे हैं। फुल एंजॉय कर रहे हैं। एक मिनट। जी तो नाज़रीन, फाइंड फन विद राहिल की नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सुनसान जगह पर एक सीट के ऊपर ये चाचा और चाची बैठे अपना रोमांस जारी रखे। देखिए इस उम्र में भी इनको बिल्कुल कोई शर्म और हया नहीं है। कपड़े तो देखिए कितने भड़कीले पहने हुए हैं। इनका बुढ़ापा ऐसा है तो जवानी में ये क्या रंग लाते होंगे। इसी तरह का मजाक करते हो? हाँ भाई, मौज मस्ती चल रही है। अबे रुक जा, पुलिस की एंट्री हो गई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये क्या तरीका है बात करने का? अपनी उम्र देखो बुजुर्गो, और अपनी हरकतें देखो। यहाँ इस पार्क में एक कोने में दुबके हुए बैठे हो, कुछ हया करो, कुछ शर्म करो। तमीज से बात कीजिए, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। हाँ मियाँ बीवी? अच्छा, इस पार्क में मियाँ बीवी आते हैं हैं? और तुम लोग हुलिया से मियाँ बीवी लगते हो? पुलिस वालों को पागल समझते हो क्या? तुम जैसे बुढ़े बुढ़ियों की वजह से ना सब लोग बदनाम हो जाते हैं। ये बच्चे क्या सीखेंगे आप लोगों से? देखिए कोई आप गलत समझ रहे हैं, हम वाकई मियाँ बीवी हैं। तो ठीक है, आप लोग मियाँ बीवी हो, थाने चलो, वहां अपना निकाह नामा मंगवा लेना, फिर बात बन जाएगी। शायद ले चलो उन्हें थाने। चलो चलिए। एक मिनट, चाचा तो बड़ा शातिर है भाई। एक मिनट रुक जा। तो तक पर मैं बात करूं। जी। चाची को चेक करें। उठ। चाची तो फुल घबराई हुई। चाची की हालत खराब हो रही है। अबे तेरी चाचा ने तो खिला दिए पैसे। वाह बहुत ही तेज है भाई। जाने ये कंटेंट जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, तेरी सोच है तू देख। मैंने कितनी बार मना किया था रईस, तुम्हें इतनी रुसवाई उठानी पड़ी पुलिस वाले के सामने। जो होना था वो हो गया निका। अब मुझे क्या पता था कि वो पार्क इस काबिल नहीं है कि वहां शरीफ लोग जा सके। उस पुलिस वाले ने माफी भी तो मांग ली थी अपने रवैये पर। उसकी माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? सब लोग देख रहे थे, हमें तमाशा बन गए थे हम। अजीब सी सिचुएशन तो हो गई, भूल जाओ इस बात। वैसे भी वहां कौन से हमारे को जानने वाले थे जिन्होंने देखा हो? ये तो है। अरे मैं आसिफ का फोन। बेटा हेलो, कैसे हो तुम जान? ये सब क्या तमाशा है अम्मा? क्या हुआ, खैरियत तो है? क्या हुआ, आप मुझसे पूछ रही हैं क्या हुआ? सारे जहां में आपकी और अब्बा की वीडियो वायरल हुई है। आप लोग सड़कों पर थिएटर करते फिर रहे हैं, और ये क्या ड्रेसिंग है? अम्मा क्या हो गया है आप दोनों को? सब हंस रहे हैं आप लोगों पर, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। अम्मा घर बिल्डोज कर दिया था क्या? जो आप लोग पार्क में बैठ रहे हैं और पुलिस वाले आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, क्या हो रहा है अम्मा? सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी बात सुनो आसिफ। क्या बताएंगे आप, क्या देखूं मैं सब कुछ देख तो रहा हूँ। अब्बा इतना तो ख्याल किया होता कि मेरा एक पूरा सर्कल है, मेरी वाइफ का एक पूरा सर्कल है। आप दोनों ने तो हद ही कर दी अब्बा।
निगार निगार जा बैठ बैठ रही बस करो बस बस ठीक है सब ठीक है नहीं सब ठीक है ठीक है सब सब ठीक बस करो बस हाँ मैं पानी लेकर आता हूँ तुम यही बैठना हिलना मत पैनिक अटैक हुआ है एंजाइटी आपकी वाइफ से डिप्रेशन बहुत ज्यादा दूर नहीं है एंजाइटी आखिरकार डिप्रेशन ही की तरफ लेकर जाएगी मैंने एंटी डिप्रेसेंट लिखकर दिए हैं आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि इन्हें ज्यादा स्ट्रेस ना हो अगर दूसरा अटैक हुआ तो बहुत डेंजरस होगा स्ट्रोक हो सकता है बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि अगर आप मजीद इन्हें इसी हालत में रहने देते तो ऐसा अब तक हो चुका होता मैंने मेडिसिन व्हाट्सएप कर दी है इन्हें ले लीजिएगा और इनका बहुत ख्याल रखिएगा और रईस भाई आप ठीक हैं जी अच्छा मैं चलता हूँ अल्लाह हाफिज़ बेटा ये दवाइयां मिल जाएंगी जी सर देख लेते अरे ये तो वही चाचा वही वायरल जो हुआ ना बेटा वीडियो बनाऊं रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा अभी रुक अभी वीडियो बनाऊं इसकी वीडियो बनाऊं आना आना अस्सलाम वालेकुम चाचा कोई नंबर अंबर हमें भी दे दें कुछ हम भी थोड़ा सा अपनी प्यास व्यास बुझा लें कुछ हमें भी चाचा
सब जान ही निकाल के रख दी थी तुम, अब कैसी? बेहतर शायद। तुम्हें इस हालत में देखकर पता है मुझे कैसा लगा? कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया, जैसे मुझसे वाकई कोई बहुत बड़ी भूल। मैंने इस सोच भी कैसे लिया कि इस दौर में, इस माशरे में हम अपनी मर्जी से एक दिन भी गुजार सकते? हमारी मर्जी के दिन गुजर गए रईस, हम गुजर गए। ये कह रही तुम तो। मैं बाहर जाता हूं तो लोग आवाजें लगाते हैं जैसे मैं गुनाहगार, तुम अपने कमरे में बंद पड़ी हो जैसे तुमसे भी कोई गुनाह हो गया। ऐसे तुमसे खफा है, मुझसे खफा है, और हम उसे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं जैसे वाकई हमसे कोई गुनाह हो गया। और कर भी क्या सकते हैं, एक्सक्यूजेस ना दें तो हमारे पास कोई जवाब, कोई दलील, कुछ भी तो नहीं है। कुछ कहने से हमारी जो रुसवाई है वो खत्म हो जाएगी। ये जो रुसवाई का दाग है ना, ये नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। लोगों को जवाब हमने खुद दिया है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उनके तानों का। कौन लोग निगाह, कहां है वो लोग और पहले कहां थे? ये सब लोग तो यहां है, इंटरनेट से कनेक्टेड। हमारे दौर में इंटरनेट नहीं था, इस दौर में है, और हमें ये बात भूलना नहीं चाहिए थी। हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए निगाह, क्योंकि हमें जीना है, हमें खुश रहना है, एक दूसरे के लिए खुश रहना है। अगर तुम मुझे खोदोगे और मैं तुम्हें खोदूंगा, फिर हम जी नहीं पाएंगे। ये डिजिटल बिहेवियर हमसे हमारा अपनापन नहीं छीन सकता निगाह। नहीं रईस, अब हिम्मत नहीं है अपने मुताबिक जीने की। बस ये एक दिन ही काफी था याद दिलाने के लिए कि हमारा दौर गुजर चुका है, ये हमारा दौर नहीं है। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं निगाह, तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मेरे लिए यही बहुत है कि उम्र के इस हिस्से में तुम मेरे साथ हो रही। ये काफी नहीं है निगार, क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं, और खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम एहसास नदामत को और इस एहसास शर्मिंदगी को खुद से अलग कर दें और लोगों को बताएं कि हम गलत नहीं है, वो गलत है। किस किस को बताओगे कि हमने बस सिर्फ जिंदगी का एक दिन अपनी मर्जी से गुजारा? किस किस को समझाओगे कि उम्र अगर बढ़ जाए तो मोहब्बत ममनू नहीं होती? किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आजकल लोग कोई वजूद नहीं रखते, सिर्फ सोशल मीडिया पे आईडीज रखते हैं। तो मैं मजीद तमाशा नहीं बनना चाहती रईस। Thank you.
चाहिए था ना, तुम्हें अपनी पुरानी निगार वापस चाहिए है ना? मोहब्बत का दावा आज भी उसी मजबूत लहजे में कर रहे हो जैसे 40 साल पहले किया था, लिए यही बहुत है। हर एक को ये नहीं मिलता, मेरे लिए इतना ही काफी है कि जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी दी उसने मुझे अपनी जिंदगी की तरजीह समझा। मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। तुम ठीक कहते हो रईस, हम क्यों एक्सक्यूजेस दे? हम उन्हें दिखाएंगे कि हम गलत नहीं है, वो गलत। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जनाब, अब हमें पता चला कि वीडियो वायरल कैसे होती है, बल्कि यूं कहिए कि वायरल तो आपने हमें किया। हमारी वीडियोस पे आप लोगों ने अच्छा कहा, बुरा कहा, जुमले कसे, फिक्रे कसे, मजाक उड़ाया, बल्कि हमारा तमाशा बनाया। हम पुराने लोग हैं, हम डर गए, हम सहम गए, हम अपने घर में बंद हो गए। फिर हमने हिम्मत की और हमने बहुत सोचा, हमने सोचा कि हमारा फर्ज बनता है कि आपको भी वो बात समझाएं जो हमारी समझ में आए। देखिए, हम ये नहीं चाहते कि जब आप हमारी उम्रों पे पहुंचे तो आप वो अजियत उठाएं जो हमें उठानी पड़ी। तो जनाब, आप लोग हमारे लिए गैर हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ डिजिटल आईडीज हैं, आपका कोई वजूद नहीं है। और आप जैसे गैर अहम लोगों की वजह से मेरी अहम तरीन चीज यानी मेरी बीवी मरते मरते बची। इसलिए हमने सोचा कि अब हम आपकी परवाह किए बगैर वैसे जिएंगे जैसे हम चाहते हैं, और आपके लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि दुआ करें कि आप डिजिटल आईडी से इंसान बन सके और दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। हमारा दौर गुजर गया, हमारी कहानी खत्म हो गई। ये सब हम अपने बारे में सोचते थे जब आपने हमें तमाशा बनाया, लेकिन असल में बात ऐसी है नहीं। बात दरअसल ये है, जब तक हम जिंदा हैं हमारा दौर बाकी है, हम जब तक हैं हमारी कहानी बाकी है। ये दौर उतना ही आपका है जितना हमारा है, और हमने तो ये फैसला किया है कि हम नहायत इज्जत और एहतराम के साथ ये दौर आपके साथ शेयर करें, लेकिन तैयार आप लोग नहीं हैं। तैयार आपको होना है, सीखना आपको है, हमें नहीं। हाँ, मेरे ख्याल में इतना काफी। So, मुझे उम्मीद है कि अब आप हमारी इस वीडियो को भी उसी तरह से वायरल करेंगे और आप इसमें भी हमें बुरा भला कहेंगे। बट वायरल तो हम हो गए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, खुदा हाफिज़। कर दिया बंद, क्या खूब बोली तुम। वाह, ठीक बोलो, बहुत जबरदस्त बोली भाई, वाह।